इतना पैनिक कर गई आपकी टीम, इतना पैनिक कर गई इनको लगा पता नहीं क्या होगा, घंटे पे आगे खेलने। तुम डिजर्व ही नहीं करते यार, तुम जब एज अ टीम नहीं बनाओगे, हर इंडिविजुअल आईपीएल, कोई मुंबई इंडियंस, कोई आरसीबी, कोई चेन्नई सुपर किंग्स, बस यही करते रहो। जब तुम टीम ही नहीं ढंग से बनाओगे, टीम इंटीग्रेटेड कट्ठी नहीं होगी, उसको देखो, हार्दिक पांड्या इंडिया के कप्तान है अब T20 के, टैक्टिकल एरर है ना, टैक्टिकल एरर है जो आप देखते हो। और देखो युजवेंद्र चहल, इंडिया की एक और शर्मनाक हार, इंडियन मीडिया पर सफाई मातम बिछा हुआ है, इंडियन टीम का पोस्ट मॉडल हो रहा है। तो नाकाम आए आपके सूर्या कुमार यादव जो T20 के नंबर वन बैट्समैन है, और ना काम आए हार्दिक पांडे इंडियन टीम के कप्तान, और ना ही काम आए शुभमन गिल जो आईपीएल के हीरो थे और आईपीएल में सेंचुरियों के सेंचुरी स्कोर कर रहे थे। जब वो आए इंटरनेशनल क्रिकेट पे किसी भी किस्म की कोई 50 शामिल नहीं है, सेंचुरी तो दूर की बात। इंडिया कैसे हारा, कितने रन से हारा, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन दोस्तों ने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया वो फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के सेकेंड T20 मैच की, जो इसमें इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा 20 ओवर में वो 151 रन बना पाई। तो उनमें से सिर्फ तिलक वर्मा ने 50 स्कोर की, नाकाम आए सूर्या कुमार यादव, एक रन पर आउट हो गए, शुभमन गिल ने भी रन नहीं किए, जबकि हार्दिक पांडे ने भी रन नहीं किए, इसलिए सिर्फ 150 रन पर टीम सिमट गई। और बात आई वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज के कप्तान निकिल पुरवान ने जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली, उन्होंने 67 रन किए, 40 बालों का सामना किया, बेहतरीन जबरदस्त किस्म की बैटिंग हमें देखने को मिली निकिल पुरवान की, टारगेट को आखिरी ओवर में चेस कर लिया। यूजी चहल की जबरदस्त किस्म की बॉलिंग मिली हमें लास्ट ओवर्स में, उन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करके विकेट हासिल किए और मैच को इंटरेस्टेड किया, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने मैच को हाथ से ना जाने दिया। इंडियन की इस शर्मनाक हार में आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं आपको नए आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में।